चलती रहती है जी। तो आपका जो यूट्यूब चैनल है अब माशाल्लाह वो लाखों में है, माशाल्लाह कितने सब्सक्राइबर हैं उसके अंदर? पता नहीं, मैंने कभी चेक नहीं किया सर। मैंने देखे हैं वो 4.5 लाख से माशाल्लाह तजावुज कर चुके हैं। 5.5 लाख से तजावज कर दी। तो माशाल्लाह इतना सफ़र आपने धीरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की व्लॉग में मैं अपने गांव के सबसे बड़े यूट्यूबर मियां शाहद हुसैन जोया साहब, उनसे मुलाकात करवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिन भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मियां साहब क्या हाल है, आप खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा एहसान है। बड़ी कोशिश और काविश से आपसे मुलाकात का टाइम मिला, बड़ी मेहरबानी कि आपने कुछ टाइम निकाल कर कीमती वक्त में से। ऐसे ना आगा करो, आप जब चाहें आ सकते हैं जी। मेरे दफ्तर के दरवाजे, दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ये सर, ये जो बात है कि आप लोग एक आम मजदूर बंदे थे, ये बात सही है? आपको नहीं पता? मुझे पता, मैं आपके गांव से है। वाकई आप जरा कैमरे में ये बात रिकॉर्ड करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं एक फैक्ट्री में झाड़ू दिया करता था जी। ये बात है 2001 की जी, हैदराबाद में जी। तो बस वो झाड़ू देने से जो सफर शुरू हुआ जी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते सिलसिला जो है, अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की है जी, कि आज आप जो है मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं जी। आपकी कितनी फैक्ट्री है सर? फैक्ट्रियाँ ऐसे कहना पता नहीं मुनासिब है, यानी छोटे छोटे कारखाने हैं, छोटे छोटे काम करते। तकरीबन कितने हैं? तो 12 हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें बनती। तो उसके अंदर आप क्या क्या मशीनरी बना रहे हैं? सिर्फ मशीनरी नहीं बनाते, मशीनरी के लिए अलग हैं। जैसे एक जगह पे साबुन की मशीनें बनती हैं, दूसरे कारखाने में वॉशिंग पाउडर की बनती हैं, तीसरे में पैकिंग मशीनें बनती हैं जी, फिर साबुन बनते हैं जी, जूस के प्लांट बनते हैं जी, वॉशिंग पाउडर बनते हैं जी, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स बनते हैं, वो ऑयल मशीन छोटी गई, वो भी oil बहुत आपकी बहुत ज़्यादा वो लोग पॉपुलर हुई है आपकी मशीन जी, वो एक जगह पे वो बच्चों के झूले बनते हैं जी। तो बस इस तरह के छोटे छोटे कारखाने लगाए हुए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें बनती रहती हैं जी। तो आपका जो यूट्यूब चैनल है अब माशाल्लाह वो लाखों में है, आपके माशाल्लाह कितने सब्सक्राइबर हैं उसके अंदर? पता नहीं, मैंने कभी चेक नहीं किया सर। मैंने देखे हैं वो 4.5 लाख से माशाल्लाह तजावज कर चुके हैं। 5.5 लाख से तजावज कर चुके हैं। तो माशाल्लाह इतना सफ़र आपने धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मंजिल हासिल कर ली है। वो फोकस करते हैं असल में ना, जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं ना जी, तो बस फिर उसको पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आहिस्ता 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 लगे रहते हैं। मुस्तकिल मिजाजी जो होती है ना, वो आपको आगे लेके जाती है जी। माशाल्लाह गांव के अंदर ये भी पता है कि आपके जो वालद थे माशाल्लाह बहुत ही ठंडी तबीयत के, हाँ जी, बहुत ही ठंडी तबीयत के बंदे थे, जिन्होंने अपनी एक आपके बच्चों, आपका पेट यानी कि जो उनके बच्चे थे आप लोग, उनका पेट पालने के लिए एक छोटी गाड़ी रखी हुई थी, हाँ जी, और जिसकी वर्कशॉप ये सुनने में आया कि घर के अंदर बनाई हुई थी, हाँ जी। ऐसे ही पहले तो मैं करेक्शन कर दूं कि ठंडी तबीयत के मालिक थे नहीं, वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह हैं अभी भी माशाल्लाह वो बात। और गाड़ी वो चलाया करते थे यानी एज अ टैक्सी, और आज भी मुझे उस गाड़ी का नंबर याद है, 2285 उस गाड़ी का नंबर था, हाँ जी, छतरी के नाम से मशहूर थी वो गाड़ी जी 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 जी। ऐसे ही है, तो वर्कशॉप जो है ना वो घर में ही बनाई होती थी, जो छोटे मोटे वो डेक वगैरह आपने घर में बनाया हुआ था उसको रिपेयरिंग के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि गांव में और जिन लोगों के पास गाड़ियां थी वो भी कभी कभार आ जाते थे कि जनाब वो रिपेयरिंग कर दे, और मैं भी लगा रहता था साथ जी। तो ये जो चीजें बनाने का, खोलने का, जड़ने का जो शौक है वो वहीं से पैदा हुआ। अब आपने गांव में कितने लोगों को रोजगार दिए इस एक गांव के अंदर, आप ये अंदाजा से बता सकते हैं? रोजी देने वाला रब का अल्लाह के साथ जिनका वसीला आप बने, 112 बंदे हैं, 112 बंदे जी इस गांव के हैं, जिनके लिए इनका एक जो फैक्ट्री का ये उन्होंने सिलसिला शुरू किया है ये बना हुआ है माशाल्लाह। ये बहुत बड़ी तरक्की है कि गांव के अंदर से, देखिए हमारी हुकूमत शायद इतना काम ना कर चुकी होगी जो कि गांव में रहने वाला बंदा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। यार ये तो मैंने सोचा था कि शायद आपके 25-30 बंदे होंगे, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब मैं पहले आपसे मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ये माशाल्लाह 24 बंदों का स्टाफ तो यहाँ पे है जहाँ हम बैठे हुए हैं, फिर बाकी फैक्ट्री में ज़ाहिर वहाँ पे भी है, ठीक है 112 के लगभग। तो मियाँ साहब आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, एक
कोई अच्छी सी बात आपका जो अच्छा पैगाम हो जो लोगों के लिए इस वक्त बेरोजगारी और ये कोरोना की वजह से मुश्किलात का सामना है, इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे उस्ताद कहते होते हैं कि हम आदतन गरीब मुल्क हैं, आदतें ठीक कर लें हम सब ठीक हो जाएंगे जी। जो चाहिए वो बांटना शुरू कर दें, अगर आपको पैसा चाहिए तो जितना है वो बांटना शुरू कर दें, इज्जत चाहिए तो लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें जी, इल्म चाहिए तो जितना आपके पास है उसको बांटना शुरू कर दें जी। तो ये सब चीज़ें लौट के दुगनी होके वापस आती हैं जी, तो बस बांटना सीख लें, सब आसानियां पैदा हो जाएंगी, मुस्तकिल मिजाजी पैदा कर लें, धीरे धीरे लगे रहें, इंशाल्लाह मंजिल नज़दीक है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यार, ये बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस तरीके से। ये एक बात आपसे और मैं कहना भूल गया, पूछनी थी आपसे कि आपका एक वो मैंने बाहर वो देखा हर इतवार को सीखें, उसका क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में ज़रा बताएं कि अगर कोई बंदा उस चीज़ को समझ ना उस बात में। बहुत से लोग जो है ना वो मिलना चाहते हैं जी, तो इतवार का दिन मुख्तस किया हुआ है कि इतवार को लोग आ जाएं, मुलाकात कर लें, यहाँ पे छोटे मोटे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं तो वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लें, सेल्स मार्केटिंग पे बात होती है और सवाल जवाब होते हैं तो लोग सीखते हैं, और ये फ्री सिलसिला है, इसमें कोई फीस वसूल नहीं की जाती, तो जो भी मिलना चाहता है वो इतवार को यहाँ पे आ जाते हैं, मुलाकात हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जो ये मशीनरी वगैरह सेल करते हैं तो वो सुनने में आया कि आप उनको खुद उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करते हैं, खाने का बंदोबस्त करते हैं और उसको सिखाते भी, क्या बात सच चाहिए? आपको नहीं पता? नहीं, आपसे हम तो कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं ये बात। देखिए ऐसा है कि ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ से कोई शख्स मशीन ख़रीदेगा तो उसे ही ट्रेनिंग दी जाएगी जी, आए रहें सीखें चले जाएं। अगर कुछ दोस्तों का दिल मानता है कि उन्होंने यहाँ से कुछ चीज़ ख़रीदनी है, परचेजिंग करनी है, तो चूँकि हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पर हम चीज़ें बना देते हैं तो उनके काम आ जाती हैं, हमें भी चार पैसे बच जाते हैं जी, और मैं भी एक सहूलत हो जाती है कि सारी चीज़ें एक जगह से मिल जाएंगी। एक सवाल और है कि आपने इसी शोबे को क्यों तरजीह दी, कि ये क्या आपके जहन में क्या आया कि आपने ये चैनल बनाया और यही लोगों को रोज़गार मुहैया करनी, ये क्यों आपने इस चीज़ को क्यों, लोगों ने व्लॉग बनाए, कुकिंग के चैनल हैं, इसके अलावा और बहुत डॉक्यूमेंट्री के हैं, इसके अलावा और बहुत लोगों के शुगल मेले, ये वो मेले पे जाना, कुछ मशीनरी दिखाना, ये इस किस्म के लोगों ने सिस्टम बनाए और बहुत जल्दी वो लोग उसके अंदर तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को क्यों चॉइस किया, इसकी क्या खास वजह थी? असल में ये जो है, मैंने अपना कारोबार शुरू किया था जब जी, तो मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना था, तो मुझे कोई बताने और सिखाने वाला नहीं था जी, तो मैंने सोचा अगर मुझे कोई बताने सिखाने वाला नहीं है तो मेरी तरह के और लोग भी होंगे, तो बस उनको बताने समझाने सिखाने के लिए एक छोटा सा स्कूल बना दिया, तो काफ़ी सारे लोगों की मदद हो जाती है। बहुत वाकई इस चीज़ में मैं भी मानता हूँ कि एक गाँव के अंदर आपने तकरीबन कोई 125 लोगों को के लिए आप एक मसीहा बन चुके हैं, उनके लिए एक उनका चूल्हा चल रहा है, एक आपकी मेहनत और इस तरकाविश से अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तरक्की दे, अल्लाह ताला मुझे और लोगों के लिए वसीला बनाए। आमीन आमीन, बड़ी मेहरबानी मियां शाह साहब, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, आपने हमारे इतना टाइम निकाला। इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम यासीन विर्द से जाय चाहेंगे, अल्लाह ने कहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।